जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। हमारे शास्त्रों में कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि मनु संहिता में खुद लिखा है, जन्म जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं। अगर ब्राह्मणवाद होता तो ये क्यों कहते जन्म से सब शूद्र हैं? मुझसे किसी ने पूछा, आपके वेदों में तो जाति बात है, ब्राह्मण शूद्र हायर कास्ट लोअर कास्ट है नहीं, तभी तो ये सारा मूवमेंट दलितवाद, ये सारा मूवमेंट ऐसे तो चलता है। तो ऊपर के कास्ट लोअर कास्ट का शोषण करते हैं, तो ये सब क्या है? आपके शास्त्र तो बेकार हैं, आपके शास्त्र जातिवाद, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी फैला रहे हैं, असमानता फैला रहे हैं, शोषण बढ़ा रहे हैं। तो ये सब क्या वेदों में है क्या? इस जातिवाद को मनुवाद भी बोला जाता है क्योंकि मनु संहिता में, जो कि शास्त्रों का भाग ही है, उसमें तो ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय इन सब की चर्चा है, वो तो मानते ही हैं, मगर किस परिप्रेक्ष्य से है वो मानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे शास्त्रों में और मनु संहिता में जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से जातिवाद फैलाया नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे शास्त्र तो जातिवाद के विरोधी हैं, ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं। अगर सही से पढ़ा जाए, किसी गुरु के अंदर की ध्यान से उन शास्त्रों को पूरे पढ़ा जाए, अगर पॉलिटिकल एजेंडा हो या आधा अधूरा पढ़ा जाए या उनकी उनका गलत अनुवाद किया जाए, जैसे बाहर के लोगों ने आके कर दिया, तो फिर तो सब कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर तो सब गलत ही नजर आएगा। तो उसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे हमारे शास्त्रों में देखा जाए, वेदों में, मनु संहिता की बाद में बात करूंगा, हमारे वेदों में तो जातिवाद का विरोध किया गया है, ब्राह्मणवाद इसका विरोध है। फॉर एग्जाम्पल एक उपनिषद है, उसका नाम है निरालंबा उपनिषद, उसके 10वें श्लोक में लिखा है, न जाति आत्मनो जातिर, कोई जाति, हम वो उपनिषद कह रही है कि जाति आत्मा की कोई जाति नहीं होती, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है वहां। मैं वो कह रही है आत्मा की कोई जाति नहीं है, भगवान की दृष्टि में सब समान ही है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। और फिर उसके बाद व्रज शुचिका उपनिषद में तो क्लियर ही है कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण या शूद्र का बेटा शूद्र है और ब्राह्मण शूद्र को नीचे दबा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें उदाहरण दिए जा रहे हैं, उसमें बोला जा रहा है कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो ब्राह्मण हुए, मगर उनके माता पिता तो शूद्र थे। जैसे उदाहरण के लिए वशिष्ठ मुनि उर्वशी से पैदा हुए थे, उर्वशी तो वैसे भी अप्सरा है, वो तो ना ब्राह्मण ना शूद्र है, मगर वशिष्ठ मुनि बने। या व्यासदेव खुद एक मछुआरे की पुत्री से प्रकट हुए, तो फिर वो व्यासदेव, जिनको हम सबसे महान ऋषि मानते हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की, वो खुद एक निम्न जाति, सो कॉल्ड निम्न जाति, आजकल की जो जिस धारणा में चल रहा है वो निम्न जाति है, उससे पैदा हुए। तो हमारे शास्त्रों में जातिवाद नहीं है, हमारे शास्त्रों में कर्म से, गुणों से, योग्यताओं से डिसाइड होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। अब इस ये जो ब्राह्मण शूद्र हैं, ब्राह्मण और शूद्र वैश्य क्षत्रिय, ये जो डिवीजन है, ये किसने बनाई, क्यों बनाई गई है, क्वेश्चन ये है। क्या ऊपर नीचे रखने के लिए बनाई है? नहीं, ये सारी वेदों की, ये सारी डिवीजन जो बनाई है और जो उसकी चर्चा है, वो मनु संहिता में मेन किताब वो है, इसलिए मनु संहिता लोग पढ़ते हैं। क्यों बनाई गई है? क्योंकि वेदों की सामाजिक, क्योंकि वेदों में जो कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का, उसको एक सामाजिक व्यवस्था में लाने के लिए, समाज को शासन करने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम क्यों बनाया गया है? ये क्योंकि हमारे हमारे समाज में कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, ये तो नेचुरल है, पिछले जन्मों के संस्कार की वजह से कुछ लोग बुद्धिमान है, कुछ लोग बुद्धिमान नहीं है। ऐसे नहीं कि हम बुद्धिमान लोगों को, वेद बुद्धिमान लोगों को नीचे दबा रहे हैं, वो कह रहे हैं बुद्धिमान हो तो ठीक है,
तो ब्राह्मण का काम करो, पठन पाठन पढ़ाओ, टीचर बनो। ब्राह्मण का टीचर आज के समाज में, अगर इतने बुद्धिमान नहीं हो, पढ़ने का मन नहीं करता, कई बच्चे नहीं होते कहते हैं भैया हम तो नहीं पढ़ सकते, मैथ साइंस और स्कूल में नहीं जा सकते। तो ठीक है, तो तुम और काम कर लो, तो तुम शूद्र काम कर लो। शूद्र काम क्या? स्किल्स लर्न करो, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट, उसमें एक्सपर्ट बनो। ब्राह्मण उसमें एक्सपर्ट नहीं होता, ब्राह्मण तो पढ़ने पढ़ाने में होता है, मगर कितने स्किल्ड लोग होते हैं, नहीं, क्राफ्ट्स में होते हैं स्किल्ड लोग, कपड़े बनाने में होते हैं, कुकरी में होते हैं, तो वो लर्न करो और उस तरह से सेवा करो समाज की। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि मनु संहिता में खुद लिखा है जन्म जायते शूद्र, जन से सब शूद्र हैं। अगर ब्राह्मणवाद होता तो ये क्यों कहते जन से सब शूद्र हैं, और फिर कह रहे हैं कर्मणा दुज जायते, कर्म से आप बनते हो, जो भी आपका कर्म है, जो भी गुण है, उसके अनुसार आपको एक डेजिग्नेशन दी जाती है। ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये सारी डेजिग्नेशन है, सारे टाइटल्स हैं, और इनके अपने अपने ड्यूटीज हैं। आजकल शूद्र वर्ड गंदा हो गया, मगर गंदा नहीं था शूद्र वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। शूद्र ये टाइटल्स हैं कि इनका फंक्शन क्या होगा। और फिर उसके बाद मनु संहिता में 10वें अध्याय के 65 श्लोक में लिखा, शूद्रो ब्राह्मणताम इति ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम। जन्म से कुछ नहीं है, जातिवाद जन्म पे आधारित है, नहीं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का शूद्र, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं अगर किसी शूद्र में गुण ब्राह्मण के हैं, सो कॉल शूद्र जो सोसाइटी के नजर में गुण ब्राह्मण के, इंटेलिजेंट है तो ब्राह्मण का काम करे, अगर इंटेलिजेंट नहीं है कोई ब्राह्मण तो फिर ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं है ब्राह्मण बने, वो फिर शूद्र का काम करे। अगर वो स्ट्रांग है तो क्षत्रिय बने, तो मिलिट्री में जाए, क्षत्रिय मतलब मिलिट्री वाले, ब्राह्मण मतलब टीचर, शूद्र मतलब जो वर्कमैन है, जितने भी लोग जो 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 स्किल्स करते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जो कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो चलाने वाले, झाड़ू मारने वाले, उनकी भी इम्पोर्टेंस है, उसके बिना समाज चलेगा कैसे। या खाट बनाने वाले, या टोकरी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, ये सब भी तो चाहिए, चलेगी कैसे। तो वर्कमैन, शूद्र मतलब वर्कमैन जो होते हैं, और जो स्ट्रांग है वो मिलिट्री में जाएं, जो कि पैसा कमाने में श्रेष्ठ है, खाना उगाने में श्रेष्ठ है, वो वैश्य का काम करें। सिंपल सा प्रैक्टिकल सिस्टम है सोसाइटी को चलाने के लिए। आज भी समाज में ऐसा ही चल रहा है, समाज ऐसा ही है, कोई जो इंटेलिजेंट टीचर बनते हैं, नहीं आईटी में जाते हैं टीचर बनते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं उनका नंबर मिलिट्री में जाऊँगा, जो इतने पढ़ लेने के में एक्सपर्ट नहीं होते कहते हैं भैया पापा जी हम तो हलवाई का काम करेंगे उसकी भी ज़रूरत है या हम किराने की दुकान में बैठेंगे, हम खुश हैं वहाँ। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो मनुवाद वाले हैं वो 3 श्लोक ज़रूर कोट करते हैं बताने के लिए कि तुम्हारा वेदों में जातिवाद है, गलत है। तो मैं श्लोक कोट इसलिए कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा कि किस तरह गलत लोगों ने गलत गलत अनुवाद करके, गलत मतलब निकाल के हमारे शास्त्रों को नीचा दिखाया है, और जातिवाद कह के उसको हटाने का एक षड्यंत्र रचा है बाहर के देश वालों ने। जो बाहर ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने षड्यंत्र रख के हमारे शास्त्रों को गलत दिखा के, या मॉडर्न एजुकेशन देकर, या कुछ लोगों ने गलत अनुवाद करके अपने एजेंडा से, अपनी बुद्धि लगाकर उसका गलत अनुवाद करके गुरु परंपरा में औरों से बिना टीचर के समझे उल्टा फुल्टा मतलब निकाल के गलत ट्रांसलेशन कर दी, इसलिए ये सारी गलत धारणाएं फैल गई हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे गलत अनुवाद होते हैं। तो ये एक श्लोक है मनु संहिता में 4 अध्याय का 80 श्लोक 4.80। तो इसमें मनु कह रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनिए, न शूद्राया मति दद्यात्, शूद्रों को विवेक नहीं देना चाहिए, न उच्चिष्ट न हविष्कृतम, और यज्ञ का प्रसाद भी नहीं देना चाहिए न चस्य उपदेश धर्मा, शूद्रों का भी धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए, न चस्य व्रतम आदेशेत, शूद्रों को कभी व्रत का आदेश नहीं देना चाहिए। अब लोगों ने कोट किया, देखा ये है शूद्रों को नीचे रख रहे हैं, ये तो नीचे जाति को दबाया जा रहा है, उनको राइट्स नहीं है। बिल्कुल गलत है, अभी अपने मन से पढ़ेंगे तो फिर यही होगा। अब आप कमेंट्री पढ़िए मेधातिथि की, कुल्लूक भट्ट की, इस श्लोक पे बिल्कुल क्लियर है कहा क्या कहा जा रहा है। ऐसे तो किसी किताब से भी कुछ भी उठा लो,
आधी पौनी आधा अधूरा ज्ञान तो बेकार है। अगर आप पूरी मनुसंहिता पढ़ोगे और कमेंटेटर्स की कमेंट पढ़ोगे तो समझ आएगा क्या कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, न शूद्राय मतिम दद्या, शूद्रों को विवेक नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है कि शूद्रों जो जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, शूद्र शूद्र वर्ड से आप गंदा मत समझिए, जिन जो लेस इंटेलिजेंट है जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, उनको उनको टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताना नहीं चाहिए क्योंकि उनमें उनको स्ट्रेस आएगा। अभी जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसको उठा के पकड़ के उसके माइंड में कैलकुलस ठूसना चाहो, ज्योतिष ठूसना चाहो, तो कैसे समझेगा वो? सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल सी बात है। और न उच्चिष्टनम हविष्कृतम, और यज्ञ का प्रसाद नहीं देना चाहिए। अब कमेंटेटर लिख रहा है कब नहीं देना चाहिए प्रसाद यज्ञ का, जब एकादशी हो। एकादशी पे तो वैसे भी हम लोग नहीं लेते, एकादशी पे तो अन्न लेते ही नहीं, भगवान को ऑफर करते हैं अन्न मगर खुद स्वीकार नहीं करते। जब ऐसे स्पेशल डेज हो जिसमें अन्न दूसरों को बांटना नहीं चाहिए, उस टाइम ही देना चाहिए। न चस्य उपदेश धर्मा, उनको धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं यहां पर कमेंटेटर लिख रहे हैं, उनको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है उनको, ब्राह्मण से हो तो उसको करने की जरूरत है, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उसका नॉलेज है धर्म की, डिटेल्ड नॉलेज। धर्म की नॉलेज तो शूद्र सबको दी जाती है, धर्म क्या है, ब्राह्मणों का काम ही दूसरों को धर्म सिखाना। धर्म नहीं सिखाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो मनुष्य कैसे बनेंगे, उनकी उनका उनका बेनिफिट कैसे होगा। हाँ मगर प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, बेचारे वो इतना सब कुछ नहीं जानते, गलती हो गई तो माफ है। बल्कि ये तो अच्छा श्लोक है, दबाया नहीं जा रहा, बल्कि उनको राइट्स, फ्रीडम के राइट्स दिए जा रहे हैं। न चस्से व्रतम आदिदेशेष, और व्रत करने का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो कठिन कठिन व्रत हैं उनको कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली भगवान का नाम लेके पूजा करके वो ही प्राप्त कर सकते हैं जो ब्राह्मण प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। ये कितना अच्छा श्लोक है, तो गलत अनुवाद से गलत धारणा है। दूसरा श्लोक स्त्रियों पर, मनुसंहिता दूसरा अध्याय 213वां श्लोक, ये बहुत वैसा श्लोक है। इसमें मनु कह रहे हैं, स्वभाव ऐसा नारायणाम नरणाम यह दूषणम। इसका जो अनुवाद किया जाता है मॉडर्न मॉडर्न किताबों में, ऐसे किया जाता है कि स्वभाव से ही नारी करप्ट होती है और आदमियों को करप्ट करती है, नरणाम एवं दूषणम। मतलब बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है, बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है, क्योंकि कमेंटेटर को पढ़िए आप क्या लिख रहे हैं। हमारे इन्हीं शास्त्रों में लिखा है, तो क्या लिखा है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। यत्र नारी पूजन यत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो नारी को हम नीचे कैसे क्यों दिखाएंगे मनु संहिता और ये ऋषि मुनि? इसका मतलब क्या है, कमेंटेटर लिख रहे हैं, स्वभाव ऐसा नारी नाम, स्वभाव से ही नारियों को सुंदर बनने का शौक होता है, स्वभाव उनका। ये तो सारी ये तो कोई ये तो उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मेकअप करने का, सुंदर करने का, आभूषण का शौक होता है। लक्षणा नारायणाम यह दूषणम, और क्योंकि वो सुंदर बन के रहती हैं इसलिए जो नर हैं, इसलिए जो आदमी हैं, अगर उनके अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनका चित्त दूषित हो जाएगा, अगर मिक्स करेंगे अननेसेसरली उनसे तो वो टेम्प्ट हो जाएंगे, सिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्त्री में नहीं है केवल, प्रॉब्लम है आदमियों में जो काम वासना के कारण उससे अगर टेम्प्ट होंगे और क्या होगा, है नहीं? तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, अतः अर्थान न प्रमादयन्ति, इसलिए मनुष्य को पुरुष को चाहिए कि वो कभी भी हमेशा अटेंटिव रहे, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही है नारियों का अपने आप की अपने को ब्यूटीफुल करना। और ऑफकोर्स ब्यूटीफुल क्यों रखती हैं, क्योंकि जिससे मेल्स अट्रैक्ट हो। मगर पुरुषों का भी स्वभाव है कि वो नारियों की तरह अट्रैक्ट होते हैं, तो प्रमादयन्ति तो अलर्ट रहें, माइंड को लूज ना रखें, वरना वरना इलिसिट सेक्स होगा, वरना अवैध संबंध बन जाएंगे। प्रमादयस्तु विपश्चिता, प्रमादयस्तु विपश्चिता, इंटेलिजेंट आदमी को ऐसे रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये तो मेल्स में दिखाई जा रही है, फीमेल थोड़ी ना प्रॉब्लम है। हाँ उनमें ये प्रॉब्लम है कि वो सुंदर बन के टेम्प्ट करती है, मगर दोनों तरफ से कंट्रोल चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ से कंट्रोल चाहिए।
और दूसरा वहां पे कह रहे हैं मात्र स्वस्त्र दुहित्र व न विभक्त सेवा भवेत, कि माँ के साथ, बहन के साथ और अपने किसी भी फीमेल रिलेटिव के साथ अकेले ना रहें किसी रूम में। तो लोग कहते हैं देखा ना, ये स्त्रियों को दबाया जा रहा है, अकेले ना रहे, हमेशा उन पर वॉच करते रहो। ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि दूसरी लाइन देखिए, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वम संपत्ति कर्षति, विद्वम सम अपि कर्षति। बलवान कह रहे हैं भाई, इंद्रिय बहुत बलवान है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इंद्रियों के वेग से गिर जाते हैं। यहाँ पे भी पुरुषों के में प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे, काम वासना में, काम वासना दोनों में है भाई, पुरुष और स्त्री में, ये बताया जा रहा है। तो अकेले ना बैठे, अकेले अकेले बैठने का ऐसा नहीं है कि माँ के साथ अकेले नहीं बैठते, हम बैठते हैं घर में भी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इंद्रिय बलवान है, माँ और स्त्री को नीचे नहीं दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल से बता रहे हैं। कभी कभी उदाहरण को एक्सट्रापोलेट करके, कभी कभी उदाहरण को अति व्याप्ति करके बताया जाता है कि माँ के साथ भी ना बैठे अकेले, क्योंकि इंद्रिय बलवान है, अति व्याप्ति करके बोला जा रहा है बस, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये श्लोक जो बहुत खतरनाक है, 9.2 मनु समेत नौवाध्याय दूसरा श्लोक, स्वतंत्रता स्त्रिय कार्य पुरुषाई स्वैर स्वैरादि वशम, कि स्त्रियों को, इसका अनुवाद जो करते हैं लोग मनु समेत में, कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, हमेशा पुरुष को अपने वश में करके रखना चाहिए उसको। अब लोग कहते हैं देखो मनु समेत में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देते, दबाते हैं, ये गलत है। अगर आप इस कमेंटेटर को देखेंगे, आप मेधा तिथि कुलुक भट्ट को, और इसके अगला ही श्लोक देखेंगे तो समझ आ जाएगा। इसका अगला श्लोक क्या है, पिता रक्षति कौमारे भात्रा रक्षति यौवने, बचपन में पिता को रक्षा करनी चाहिए स्त्री की, यौवन में उसके पति को रक्षा करनी चाहिए, बुढ़ापे में रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, बुढ़ापे में पुत्र को रक्षा करनी चाहिए, न स्त्री स्वतंत्र अमरहति। यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब है, स्वतंत्रता देनी चाहिए मतलब उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है। स्वतंत्रता गलत वर्ड, गलत सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है कि इसको एक दबाएं, एक्सप्लॉयट करें, शोषण करें, उसकी रक्षा की सेंस में हुआ है, उसकी रक्षा करें। तभी आप कह रहे हैं स्वतंत्रता स्त्री कार्य पुरुषे स्वैर आविषम, पुरुष को हमेशा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, स्पेशली हस्बैंड। यहाँ पे एक्चुअली श्लोक में हस्बैंड की बात हो रही है, हस्बैंड को अपनी वाइफ की हमेशा केयर करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और स्पेशली उस स्त्री की बात कर रहे हैं, विषये चु च संजनते, हब कमेंटेटर लिख रहे हैं, जो स्त्री एडिक्ट हो चुकी है गलत काम में, अगर वो किसी और आदमी से आकर्षित हो चुकी है, शराब में पड़ चुकी है और गलत व्यसनों में पड़ चुकी है, तो उस हस्बैंड को, उसको संस्थापे आत्मनोवशे, उसको दोबारा से धर्म के रास्ते पर लाना चाहिए और हमेशा उसकी रक्षा करती रहनी चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई शोषण नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है स्वतंत्र नहीं है, घर में तो स्त्री स्वामी नहीं होती है, हर घर में स्वतंत्र है कुछ भी करने को घर में, तो मगर विद इन लिमिट्स। वो तो हर एक के ऊपर स्वतंत्रता नहीं है, पुरुष भी हर चीज नहीं कर सकता है, नहीं, पुरुष की अपनी लिमिट्स हैं। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमेंटेटर लिख रहा है, नौवे अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है कि पुरुष का भी धर्म है, स्त्री का भी धर्म है, सबको अपनी सीमाओं में बंध के रहना पड़ता है, सबको नैतिकता की सीमाओं में बंध के रहना पड़ता है। नहीं, पुरुष के लिए अलाउड नहीं है कि वो दूसरी स्त्रियों के साथ घूमे, तो स्त्री को भी हमेशा देखना चाहिए कि पुरुष क्या कर रहा है, वो तो वैसे भी देखती है। तो दोनों तरफ से इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में कोई जातिवाद, कोई शोषण, कोई स्त्री को दबाया नहीं है, कोई नीची उच्च कास्ट नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो बस एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें। और ये सामाजिक व्यवस्था है कि जिससे लोग एक दूसरे का शोषण ना करें, बल्कि मनु संहिता के श्लोक, अगर मनु संहिता अच्छी तरह पालन करेंगे समझ के टीचर के अंडर, तो एक दूसरे का शोषण नहीं होगा। अब आज लोग मनुवाद कहते हैं, मगर क्या शोषण रुका क्या? शोषण तो और बढ़ता जा रहा है, लोगों का मूवमेंट चलते जा रहे हैं, लोग डाकू बन चुके हैं, हायर कास्ट को गोलियां मार रहे हैं, वो अभी भी दबा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? प्रॉब्लम तो
मनु संहिता की एडवाइस सही तरीके से सही अनुवाद करके अगर हम अप्लाई करेंगे सोसाइटी में तो सॉल्व होंगी, तब सब समान हो जाएंगे भगवान की दृष्टि में, सबके अपने अपने कार्य होंगे, सब खुश रहेंगे, किसी का शोषण नहीं होगा। ये हमारे वेद शास्त्र है। हरे कृष्ण।